Good morning, students. Today I am going to teach you present continuous tense. As yesterday, I taught you present indefinite tense. Just as the rules of present indefinite tense show that verb should be in third form, in the same way, in continuous tenses, verb will be in its participle form. इसका मतलब यह है कि किसी भी टेंस में भार्व का तीसरा रूप ही रहेगा. इस बात का अच्छी तरह से आत्मसात कर लें कि पैसिव वॉइस बनाते समय चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसमें भार्व का तीसरा रूप ही लिखेंगे. और इसके साथ यह भी समझ लें कि कुछ इसमें समानता है. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यह स्ट्रक्चर है उसी प्रकार तीनों कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी का यही फॉर्म होगा. सिर्फ एक्जुलियरी वर्ब बदल जाएंगे, एम इज आर की जगह वाज वेयर हो जाएंगे, परंतु जो नियम है वही रहेगा. जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम है वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नियम रहेगा. सिर्फ एक्जुलियरी वर्ब एम इज आर के जगह पर वाज वेयर हो जाएंगे. आप देखें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स मीन्स अन्य शब्द, ओ डब्ल्यू शॉर्ट में लिखा गया है. इसको समझेंगे, विद्यार्थी को पहले भी बताया जा चुका है कि ओ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है. ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड, अर्थात अन्य शब्द. अन्य शब्द कुछ भी आ सकते हैं. अब इस प्रकार हमें स्पष्ट हो गया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और यह हमारे रोजमर्रे के बोलचाल में भी इन टेंस का प्रयोग करते हैं. हमारे किताब में भी कहीं कहीं पैसिव वॉइस का यूज किया रहता है और इस प्रकार जहां भी पैसिव वॉइस का यूज किया हुआ रहेगा अब हम समझ जाएंगे. तो देखिए यहां पहले सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, हमारी मदद की जा रही है, वी आर बीइंग हेल्प. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू, अर्थात प्लस का मतलब उसके बाद एम इज आर आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ एम इज आर लिखेंगे. जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, अगर आई होगा तो एम, ही सी इट होगा तो उसके लिए इज, और यू दे या प्लुरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे. स्पष्ट. अब उसके बाद जो नियम है वो हम उसका इंप्लीमेंट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करते हुए हम पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अब पुनः डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जिस प्रकार हम लोग टेंस पढ़े हैं और टेंस में एक्टिव वॉइस में जो नियम थे कि उसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुआ करता था, उसी प्रकार पैसिव वॉइस में भी होता है. तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस एम इज आर, या उसी प्रकार पास्ट टेंस आएगा तो यहां व्हाट वेयर कर देंगे, सब्जेक्ट बी प्लस वी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू, उसे क्यों तंग किया जा रहा है, व्हाई इज ही बीइंग वेक्स्ड, तुम्हें क्या किया जा रहा है, व्हाट आर यू बीइंग गिवन, बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, व्हाई आर द चिल्ड्रन नॉट टॉक. इन द सेम वे यू कैन फ्रेम ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस. एंड साथ ही साथ मैं यह कहता हूं कि आप लोग इस पर आधारित जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं. और साथ ही साथ जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए
ज्यादा से ज्यादा इस पर वर्क करवाने का प्रयास करेंगे और आपके घरों में भी ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब होगी, उसमें से देख करके बच्चे एक्सरसाइज करेंगे या जो अपने से वाक्य बनाने की क्षमता रखते हैं हिंदी में, तो जो हिंदी जानेंगे वही अंग्रेजी जान सकते हैं। यह मूल मंत्र है अंग्रेजी जानने का, जिसको अपनी भाषा पर पकड़ नहीं होगी उसको अंग्रेजी पर भी पकड़ नहीं होगी। तो सबसे पहले अंग्रेजी जानने के लिए आपको अपनी भाषा पर पकड़ होना आवश्यक है। चूंकि आप जो भी कल्पना करते हैं या सोचते हैं अपनी भाषा में करते हैं, तब उसको अंग्रेजी में आप डब करते हैं। इसी के साथ मैं अपना क्लास एंड करता हूं और इस होमवर्क को करने के लिए आग्रह करता हूं।